डूंगरपुर में डिप्टी सीएम दिया कुमारी बीजेपी की सक्रिय सदस्यता उन्होंने ग्रहण की। बीजेपी की सक्रिय सदस्यता अभियान के तहत डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने पार्टी की विधिवत सक्रिय सदस्यता ली। इस दौरान जयपुर शहर जिला अध्यक्ष और जयपुर सदस्यता अभियान जिला संयोजक सहित पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। पार्टी ने हमारी जो सिलेक्शन प्रणाली है उसके माध्यम से हमें मौका दिया है, तो हम लोग हमारा जो मेल मुद्दे हैं, हमारे जो विशेषाधिकार है और उसके साथ साथ हमारे जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है और साथ में बिजली पानी सड़क है और कई सारे जो मुद्दे हैं, यहाँ के जो क्षेत्र 84 के क्षेत्र की जो मांगे हैं उस मांगों को लेकर के हम विधानसभा जाएंगे और विधानसभा में जा करके हम इस क्षेत्र की बुलंदी के साथ अपनी आवाज़ को रखेंगे और रखने के साथ ही हम लोग इस आवाज़ के साथ हम लोग काम भी करेंगे और साथ ही हमारे 84 के तमाम कार्यकर्ता साथी ही हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष कर्म है और आप सबको धन्यवाद कि आप सबके प्यार और आप सबके आशीर्वाद से हमें मौका मिला है। तो हम उस दौसा विधानसभा सीट से कांग्रेस ने दीनदयाल बैरवा उर्फ डीसी बैरवा को पर दाव खेला है। एनडीटीवी संवाददाता देवेंद्र नरूका से खास बातचीत में दीनदयाल बैरवा ने कहा कि कांग्रेस ने मुझे विश्वास देकर चुनावी मैदान में उतारा है। पानी का मुद्दा सबसे ऊपर रहेगा, विकास में गति दी जाएगी। दौसा सामान्य सीट पर दलित वर्ग से कांग्रेस ने टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने एससी एसटी वर्ग से टिकट दिया है। जनता इसका फैसला करेगी।